सुपर सॉफ्ट, स्पॉन्जी, जालीदार, एकदम मक्खन जैसी दिवाली की खास रसमलाई। सारे टिप्स के साथ नो फेल रेसिपी है ये और बनेगी जबरदस्त टेस्टी। और सेम प्रोसेस से आप रसगुल्ला बनाएं, रसमलाई बनाएं या फिर अंगूरी रसमलाई, बहुत ही कमाल की बनेगी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रश्मि और कुक योर फूड में आप सभी का स्वागत है। तो दिवाली की स्पेशल मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बड़ा बर्तन और इसमें डालेंगे 1 लीटर दूध। पहले थोड़ा सा पानी डाल दिया है जिससे कि दूध नीचे तले में लगे ना। उसके बाद इसमें डाल दिया है 1 लीटर टोंड मिल्क। टोंड मिल्क में फैट कम होता है तो इससे छेना अच्छा बनता है। आप चाहें तो काऊ मिल्क भी यूज कर सकते हैं और छेना जितना अच्छा और सॉफ्ट बनेगा रसमलाई भी उतनी बढ़िया बनेगी। तो परफेक्ट छेना कैसे बनाना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहले दूध को अच्छे से उबाल लेंगे, 1-2 उबाल इसमें आने देंगे। उसके बाद गैस को ऑफ कर दिया है। उसके बाद हमने लिया है 1 कटोरी और इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच सफ़ेद सिरका और साथ में डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच पानी। दोनों को मिला करके इसको दूध फाड़ने में यूज़ करेंगे, लेकिन इसको उबलते दूध में नहीं डालेंगे, नहीं तो वो स्पॉन्जी वाला टेक्सचर नहीं आएगा। इसको 2 मिनट के लिए दूध को ठंडा हो जाने देंगे और फिर थोड़ा थोड़ा करके ये सिरका वाला पानी इसमें डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि दूध और पानी दोनों अलग हो रहा है और जब ये पूरा अलग हो जाए, पानी हल्का सा ग्रीन हो जाए, तब समझिए ये छेना तैयार है। तो इस तरह से इसको रेडी कर लिया है। उसके बाद हमें इसे छानना है, तो इस तरह से एक छन्नी रखकर सारा छेना इसमें डाल देंगे। इससे छेना और पानी दोनों अलग हो जाएगा। तो इसको डालने के बाद हमें इसमें तुरंत ठंडा पानी डालना है जिससे कि जो भी इसमें खटास आई है सिरका की वो निकल जाए। तो इस तरह से 2 बार मैंने इसमें पानी डाला है। इस तरह से इसको अच्छे से मिला लेंगे जिससे कि इसमें खटास बिल्कुल ना रहे। और दूध को फाड़ने के लिए आप सिरका की जगह नींबू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। उसके बाद हम लेंगे एक कॉटन का कपड़ा या फिर रुमाल और ये सारा छेना इसमें डाल देंगे जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा पानी है इसके अंदर वो निकल जाए। तो इस तरह से इसको इकट्ठा कर लेंगे और हल्का सा निचोड़ते हुए इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। तो जब तक ये पानी की धार इसमें से गिर रही है तब तक इसे निचोड़ना है और जब ये धार गिरना बंद हो जाए और पानी इस तरह से टप टप गिरने लगे तब इसको छन्नी में कपड़े के साथ ही रख देंगे जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। उसके बाद रसमलाई का रस बनाने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें डालेंगे 1 लीटर दूध। दूध आप इसमें कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। त्योहारों पे हम महंगी महंगी मिठाइयाँ खरीदते हैं और इस समय इसमें मिलावट के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से बिना झंझट के आप इसको शुद्धता से घर पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे दूध को हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बस इसमें उबाल ले आना है। और उबाल आने पर इसमें डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से बादाम और पिस्ता डाले हैं। साथ में डाल देंगे थोड़े से केसर के धागे, वो हल्का सा जो येलो कलर आता है रसमलाई में उसके लिए। और साथ में डाल दिया है 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। इन सभी को मिला लेंगे और थोड़ा सा पका लेंगे। इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि अगर ये गाढ़ा हो जाएगा तो बाद में जब इसमें हम रसमलाई के बॉल्स डालेंगे तो इसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। उसके बाद इसको मीठा करने के लिए इसमें डालेंगे चीनी। तो यहाँ पे मैंने 5 बड़ा चम्मच चीनी डाला है और चीनी की क्वांटिटी आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो बस चीनी घुल जाए उतना ही इसको पकाना है। तो एक बार इसको मिला लिया है और फिर इसमें डाल देंगे 1 पिंच केसर वाला फूड कलर। इसको डालना कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। इसको 2 मिनट के लिए चला लेंगे और ये रसमलाई वाला रस तैयार है। एकदम परफेक्ट बना है, न ज़्यादा थिक और ना ज़्यादा पतला। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे जिससे कि जल्दी से ठंडा हो जाए। तो इस तरह से इसको एक बोल में निकाल लिया है। उसके बाद जो छेना हमने निकाल के रखा था उसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसे हम अंगूरी रसमलाई के बॉल्स बनाएंगे। तो उससे पहले हम इसको एकदम स्मूथ कर लेंगे जिससे कि बाद में जब इसके हम बॉल्स बनाएं तो वो भी एकदम स्मूथ बने। तो इसको स्मूथ करने के लिए हथेली का जो ये वाला पोर्शन है इससे इसको हल्के हाथों से रब करेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसको रब नहीं करना है, बस हल्का सा रब करना है जिससे कि ये स्मूथ हो जाए। और बस थोड़ी ही देर रब करने के बाद ये एकदम एयरी और बिल्कुल मक्खन की तरह हो गया है। तो बस इस स्टेज तक इसको रब करना है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच भर के कॉर्नस्टार्च। कॉर्नस्टार्च डालने से इसमें एक बाइंडिंग आएगी जैसे कि बाद में जब इसको हम चाशनी में उबालेंगे तो ये फटेगा नहीं।
तो इसको अच्छे से मिला लिया है। उसके बाद इस तरह से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर इसके स्मूथ बॉल्स बना लेंगे। और सेम इसी तरीके से आप इसका रसगुल्ला भी बना सकते हैं। हम अंगूरी रसमलाई बना रहे हैं तो बॉल्स को थोड़ा सा छोटा रखेंगे, और अगर रसगुल्ला बना रहे हैं तो इसको थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल स्मूथ बॉल तैयार कर लिया है। तो इसी तरह से सारे बॉल्स को हमने रेडी कर लिया है। तो चलिए इसको उबाल लेते हैं। तो इसके लिए कढ़ाई में डालेंगे 1/4 कप चीनी, तो ये 1 कप और थोड़ा सा और साथ में डालेंगे 5 कप पानी। तो यहाँ पे इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी है, बस चीनी को पानी में घुलने तक पकाना है। तो फ्लेम को हाई कर दिया है, और जब इस तरह से लगातार उबाल इसमें बना रहे तब एक एक करके अंगूरी बॉल्स को इसमें डालते जाएंगे और फ्लेम को हाई पे रखेंगे। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब भी इन बॉल्स को आप इसमें डालें तो ध्यान दें कि इसमें उबाल बना रहे, और इनकेस अगर उबाल रुक जाता है तो थोड़ा सा वेट कर लें, और उबाल जब वापस से आ जाए तब इन बॉल्स को इसमें डालें। तो एक एक करके मैंने सारे बॉल्स इसमें डाल दिए हैं। फ्लेम को हाई रखा है और इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही उबलने देंगे, और 5 मिनट के बाद इसको ढक देंगे, और ढक करके इसको 6-7 मिनट के लिए और उबाल लेंगे, और बीच में चेक कर लें, इनकेस अगर पानी कम हो गया है तो इसमें थोड़ा गर्म पानी डाल सकते हैं। और 7 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है, और ये देखिए अंगूरी रसमलाई का एक एक अंगूर अच्छे से उबल रहा है, बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आया इसमें, और साइज में भी डबल हो गया है। सेम इसी तरीके से आप रसगुल्ले बना सकते हैं और रसमलाई बना सकते हैं। उसके लिए बॉल्स को हल्का सा चपटा कर ले। तो अब इसको हम छान करके निकाल लेंगे, और इसको तुरंत ही बिल्कुल ठंडे पानी में डालेंगे, जिससे कि इसका साइज बिल्कुल भी श्रिंक ना हो। तो यहाँ पे ठंडा पानी आप पहले से तैयार रखें। तो ये बिल्कुल आइस वाटर है जिसमें मैं इसको डाल रही हूँ। तो इस तरह से निकालते हुए इसमें डालते जाएंगे। तो अक्सर जो प्रॉब्लम आती है कि उबालते समय तो साइज ठीक था लेकिन बाद में श्रिंक हो गया, तो इस तरह से अगर आप इसको बिल्कुल ठंडे पानी में डालेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना स्पॉन्जी बना है। तो इसका एक पीस लिया है, इसको अच्छे से निचोड़ करके वापस पानी में डालेंगे, तो ये तुरंत ही अपने शेप में वापस आ जा रहा है। इसका मतलब एकदम स्पॉन्जी बना है। और एक पीस मैं आपको यहाँ पे काट के दिखाती हूँ। तो इस तरह से तोड़ने पर ये देखिए बिल्कुल जालीदार टेक्सचर है अंदर से। तो इसको थोड़ी देर के लिए पानी में ही रहने देंगे जिससे कि ये ठंडा हो जाए। उसके बाद एक एक पीस को हल्का सा निचोड़ करके इसमें थोड़ा स्पेस बना लेंगे, जिससे कि बाद में हम इसको जब रसमलाई के रस पर डालें तो वो इसको अब्सॉर्ब कर ले। तो एक एक पीस को इसमें डालते जाएंगे। तो एक एक पीस को इसी तरह से इसमें डाल देंगे, लेकिन अभी इसको सर्व नहीं कर सकते हैं। इसको लगभग 5 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है, जिससे कि रसमलाई के रस को अच्छे से अब्सॉर्ब कर ले और ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे 5 घंटे हो गए हैं, मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया है, और ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है क्योंकि इसने रबड़ी को अच्छे से अब्सॉर्ब कर लिया है। तो ये लीजिए सुपर स्पॉन्जी एकदम सॉफ्ट और टेम्पटिंग अंगूरी रसमलाई बनके तैयार है। तो इस दिवाली इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। सारे टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आप खुश रहें और स्वस्थ रहें।